अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नूर्स किचन है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक क्विक एंड इजी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है लजानिया रोल्स। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लजानिया शीट्स को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए किसी पतीली में पानी डालकर उसको चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब पानी में बबल्स बनने लग जाएंगे तो फिर इसमें नमक 2 टीस्पून और ऑयल 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसमें लजानिया शीट्स डाल देंगे। मैंने यहाँ 8 लजानिया शीट्स बॉयल की थी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बॉयल कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट में लजानिया शीट्स अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगी। इनको चेक कर लेंगे और फिर इनको बाहर निकाल कर ठंडे पानी से निथार लेंगे। अच्छा, इनको निथारने के बाद अब हम एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे को ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद लजानिया शीट्स को इस तरह से लंबाई में फैलाकर रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर ही दूसरी लजानिया शीट्स को रखते जाएंगे। इस तरह से लजानिया शीट्स आपस में नहीं जुड़ेंगी। अब इसको साइड पर रख देंगे। अब एक कढ़ाही ले लेंगे और इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हल्का सा सौते करेंगे और अब इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को भी हल्का सा सोते कर लेंगे। प्याज को सोते करने के बाद अब हम इसमें 1/2 किलो चिकन का कीमा शामिल कर देंगे। चिकन को मुसलसल मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। कीमे को साथ साथ इस तरह से तोड़ते जाएंगे ताकि आपस में जुड़े नहीं। कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट का 400 ग्राम का एक टिन ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। ये अभी भी मुझे थिक लग रहा था तो मैंने इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर दिया था। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। तेज आंच पर इसको कुक नहीं करेंगे। अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। इसमें नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हसब जरूरत, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे 1/2 खाने का चम्मच और अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। मुझे इसमें नमक और मिर्च थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी थी। मिक्सचर रेडी है। अब इसको साइड पर रख लेंगे। अब चीजी वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 2 खाने के चम्मच बटर ऐड करेंगे। जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच ही मैदा ऐड कर देंगे। इसको हैंड विस्क के साथ मिक्स करते हुए स्मूथ कर लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और इसको इस तरह से मुसलसल मिक्स करते जाएंगे। जब मैदा इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तो अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे और इसको दोबारा विस्क के साथ तेजी से मिक्स करते जाएंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए और कोई भी गुठली ना बने। जब मैदा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून और ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चीज ऐड करेंगे 1/2 कप। अब इसको लो फ्लेम पर ही मिक्स करते करते कुक कर लेंगे। जैसे जैसे सॉस पकना स्टार्ट होगी ये थिक होती जाएगी। इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट चीजी वाइट सॉस रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये कितनी स्मूथ रेडी हुई है। इसको साइड पर रख देंगे।
अब रोल्स को असेंबल कर लेंगे। इसके लिए एक लज़ानिया शीट लेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी वाइट सॉस डालेंगे, इसको अच्छी तरह से पूरी शीट के ऊपर फैला देंगे। अब जो सॉसी रेड चिकन हमने रेडी किया था उसका तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर भर के डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पूरी शीट के ऊपर फैला देंगे। अब शीट को एक तरफ से टर्न करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़ी एहतियात के साथ फोल्ड करते जाएंगे और एक रोल रेडी कर लेंगे। सेम इसी मेथड को रिपीट करते हुए बाकी रोल्स भी बनाकर रखते जाएंगे। अब कोई भी बेकिंग डिश लेंगे और इसमें सबसे पहले चिकन फिलिंग की एक पतली सी लेयर लगा लेंगे। अब इसके ऊपर जो रोल्स हमने रेडी किए थे वन बाय वन उन रोल्स को रखते जाएंगे। इस डिश में 5 रोल्स पूरे आए थे। मैं छोटी डिश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे ओवन में इतनी ही डिश पूरी आती है। आप इसको बड़ी डिश में भी इजीली बना सकते हैं। रोल्स को सेट करने के बाद सबसे पहले इस पर वाइट सॉस की एक लेयर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर सॉसी चिकन की भी लेयर लगा लेंगे। इसको अच्छी तरह से पूरी डिश में फैला लेंगे। लास्ट में इसके ऊपर चेडर चीज़ की एक अच्छी सी लेयर लगा लेंगे। आप इसमें पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ के ऊपर थोड़ी सी दड़ा मिर्च स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो भी फैलाकर डाल देंगे। ब्लैक ऑलिव्स के साथ इसकी गार्निश करेंगे। अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में इसको इतना बेक करेंगे कि इसके ऊपर एक प्यारा सा कलर आ जाए। मैं इसको दूसरे ओवन में 5 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। जिस ओवन में हम खाना गर्म करते हैं उस ओवन में इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। जब चीज़ इसके ऊपर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग लज़ानिया रोल्स रेडी हैं। इनको गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा आप ये लज़ानिया रोल्स बनाएंगे तो फिर आप वो रेगुलर वाला लज़ानिया बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसका एक मज़े का बेनिफिट ये है कि जब आप इन रोल्स को बनाते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई मेस क्रिएट नहीं होता और इसको सर्व करना भी बहुत आसान होता है कि आप इजीली वन बाय वन एक रोल उठाएं और इनको सर्व कर दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अपना बहुत ध्यान रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।